मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड के स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसकी वजह से बॉलीवुड में कुछ अफवाहें भी उड़ने लगी है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने अपने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग की जो शुरुआत थी वो 2002 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। जब से सिद्धार्थ ने अपनी शुरुआती करियर की है तो उनका सारा मैनेजमेंट का काम जो है वो मैस्ट्रिक एंटरटेनमेंट द्वारा देखा जाता था, लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ ने एजेंसी का साथ छोड़कर खुद ही अपने काम के प्रबंधन को संभालने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ इस कंपनी के साथ 9 साल तक जुड़े रहे थे। स्टार अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत धर्मा से की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली सुपरहिट फिल्म शेरशाह में जिन्होंने एक नई पहचान मिली वो भी धर्मा प्रोडक्शन ने ही बनाई थी। इसी बात के चलते माना गया है कि सिद्धार्थ अब करण जौहर की धर्मा जो कंपनी है, एजेंसी है, उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब खबर ये जो आई थी वो एक महज अफवाह साबित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ अब किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि खुद से ही अपना सारा काम मैनेज करेंगे। सिद्धार्थ अपनी भरोसेमंद करीबी टीमों के साथ स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन भी करेंगे। वह इससे किसी को भी नहीं सौंपेंगे और स्वयं संचालन की देखरेख करेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभी कोई कंपनी नहीं बनाई है और ना ही वो करण जौहर की धर्मा के साथ जुड़ने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ जल्द ही अपनी अगली फिल्म मिशन मजनू में दिखाई देंगे और उसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना भी बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। और ये खबर भी अब सामने आई थी कि जब सिद्धार्थ ने धर्मा का साथ छोड़ा था तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि सिद्धार्थ और करण जौहर के बीच कुछ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और इनके रिश्तों में दरार आ गई है। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ महज एक अफवाह निकली थी और ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ बस अपना एक अलग प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं और अब इस करियर के इस मुकाम पर वो किसी भी एजेंसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।